वेलकम टू माय चैनल कबूतर जिनजान में आपका स्वागत है। बगल में हमारे मनोज भाई हैं। नमस्कार जी। दोस्तों ऐसा है, रावण भाई का कमेंट। रावण भाई कह रहे हैं, इमरान भाई जब से आपकी वीडियो देखी, मैं कभी अगर मेरा कबूतर कोई निकल गया किसी के यहाँ जाकर अगर बैठ गया तो मैं कभी मांगने नहीं गया ना वापस लेने के, वापस लिया मैंने किसी से। कमेंट शो होता है रावण भाई का, ठीक है ना। और दोस्तों इसके ऊपर ये वीडियो बननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कबूतरबाजी में अगर लड़ाई का घर अगर कुछ बनता है तो वो यही बनता है कि आप जब कबूतर लेने चले जाते हो। क्यों जी मनोज भाई? बिल्कुल सही है। जो कबूतर भाग गया, जो कबूतर भगोड़ा है, वो आपका कभी नहीं हो सकता। ऐसे कबूतर के पीछे लड़ना, मांगने जाना, ऐसे मानो जैसे उसके दरवाजे पे फकीर खड़ा हो। क्यों जी? बिल्कुल सही बात। मांगने वाले को फकीरी तो क्या है, आप दूसरे की छत पे बाहर खड़े, भाई जी कबूतर दे दो यार, मारा आ गया भाई, ओ भाई दे दे यार, ऐसा है नीचे से यूं है और नीचे उसके ऐसे ऐसे रंग लगा हुआ है, बगल में यूं है, भाई दे दे भाई मेरा यार, और उसने पकड़ के धुपा रखा। कितनी वीडियो फेसबुक पे व्हाट्सएप पे वायरल नहीं हुई दोस्तों, कबूतर पकड़ने के पीछे कैसे ईंट चल रही है। एक छत से वो बंदा इधर की छत से वो उधर छत पे ईंटें फेंक रहा, कितनी वायरल हुई थी, जिसमें कि वो एक ईंट लेडीज के लग गई थी, तो जो जिन्होंने ईंट मारी थी उन्होंने भाग के आके उसको संभाला था, वो उठा के लेके चले थे, जबकि वहां के तो भगोड़े भाग गए थे जहां ये ईंटें चली थी। ये शायद मुजफ्फरनगर की घटना थी, बहुत बहुत ज्यादा लड़ाई दिखाई थी ये कबूतरों के पीछे की। एक नीचे रिकॉर्डिंग आई थी हमारे पास कि इमरान भाई उन्होंने कबूतर पकड़ लिया था और कबूतर पकड़ने वालों ने ही ईंटें बरसाई थी, ठीक है। ऐसी मुरादाबाद की घटना, ऐसी बिजनौर की घटना और ऐसी नगीने की घटना, ठीक है ना। और हमारे पंजाब में भी कई जगह ऐसी घटनाएं हुई कि बस क्या क्या बताएं, पुलिस केस तक चले, लोग बाग अंदर हो गए। तो ये बदनामी करने वाला काम है, ये तो शौक खत्म करने वाला। हाँ, शौक खत्म हो जाता है। अब आप ये लगाओ, जिनके घर में ये घटनाएं घटी हैं, हाथ पैर टूटे हैं जिनके लड़ाई झगड़ों में, उनमें से बहुत से भाइयों ने कबूतरबाजी छोड़ दी, खत्म कर दी। और एक भाई ने खुद उसका कमेंट देखो, शायद पता नहीं मैंने स्क्रीनशॉट लिया या नहीं लिया, वो सिर्फ वीडियो देख रहा है मगर उसने जो है कबूतरबाजी खत्म कर दी। किस बात पे? कि इमरान भाई खास खास मेरे जिगरी यार ने मेरा कबूतर पकड़ के गायब कर लिया, ठीक है ना, और दिया नहीं उसने। जब मुझे पता चला इसके पास है, मैंने मांगा तो कह रहा है तेरा, थोड़ी इतने दिन के बाद बता रहा, पहले क्यों नहीं बताया तूने, तेरा ना है। इतनी सी बात पे भाई ने कबूतरबाजी खत्म कर दी कि यार इससे पहले हमारी यारी दोस्ती खत्म हो मैं कबूतर खत्म कर देता हूँ। देखो उसने यारी दोस्ती खत्म नहीं करी, कबूतर खत्म कर दिया उसने। अगर भाई अगर आप वीडियो देख रहे हो इसके नीचे कमेंट करना कि इमरान भाई वो कमेंट मैंने किया था, और उसने व्हाट्सएप पे भी मेरे को रिकॉर्डिंग भेजी थी बहुत बड़ी कि इमरान भाई हकीकत में यार बड़ा दिल दुखा, मैंने कबूतरबाजी खत्म कर दिया, इसमें बहुत लड़ाई झगड़ा है, आए दिन कबूतर मेरा किसी के यहाँ बैठ जाए मैं तो दे देता हूँ, हर एक किसी का भी आ जाए, कोई भी मांगने आ जाए मैं दे देता हूँ इमरान भाई जब से आपकी वीडियो देखता हूँ, मगर मेरा कबूतर कोई नहीं देता। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, कभी भी कबूतर भगोड़ा मांगने मत जाओ, ठीक है ना, उसके पीछे हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं। आप अगर मांगने जा रहे हो ना, फकीर हो आप, दूसरे घर जाके जबरदस्ती मांगे मेरा कबूतर दे दे, फकीर हो आप, इज्जत हो कि बंदा फोन करके बुलाए कि भाई तेरा कबूतर था क्या ऐसे ऐसे, या फोन करके बोले भाई तेरा मेरा कबूतर वहाँ ऐसा आ गया, भाई हाँ तेरे पास है क्या, चल ठीक है भिजवा दे, इस बात में इज्जत है। क्यों भाई? बिल्कुल सही है। बाकी बात ये है, कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाने का, हाँ। अगर तुम्हारे घर का उसने का दाना पानी लिखा हुआ है आ जाएगा, मिलेगा तो बिल्कुल अपने आप आ जाएगा, अपने आप मिलेगा वो, आप खुद तुम्हारे घर छोड़ के जाएगा। हाँ, अगर उसके घर का दाना लिखा है तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, उसने का अंदर रख लेना, हकीकत है ये। कबूतर अगर भागेगा वो एक एक पर पे भी भाग जाएगा, उसकी किस्मत में जहाँ का दाना लिखा ना वो एक एक पर पे भी उड़ के वहां जाके बैठ जाएगा। नहीं उड़ेगा तो आज लाके कबूतर अभी छोड़ दे, वो भी नहीं भागेगा अगर तुम्हारे घर में दाना लेगा तो, ऐसे अभी छोड़ दे। मैंने कई बार इमरान भाई से पूछने ने ऐसे लाके कबूतर छोड़ दिए हैं। हाँ, वो जुनेद भाई कबूतरी ले गए थे एक दागो वाली, हाँ। इन्होंने यहाँ पहले ऐसे उड़ा दी थी उसको, उड़ा के दी थी, वो उड़ा के दी थी उसको, नई कबूतरी लाके छोड़ी, थोड़ी देर फिरने तो यहाँ पे ऐसे अब उड़ा दो, उड़ाया इमरान ने, कह दिया छोड़ दे, मैं छोड़ दे, ठीक है। वो अच्छा टाइमिंग मार गई थी, वो भी वीडियो मैंने इस पे शो की हुई है, अलग से बात नहीं बना रहे, यहाँ वीडियो डली हुई है, वो भी वीडियो डली हुई है, उसी दिन लेके आए थे और उसी दिन उड़ा दी, उसी दिन उड़ा दी और उसी दिन दे भी दी। मैं कहा अगर इसका दाना लिखा होगा तो ये आएगी, मलवई थी ना उस पे यकीन था कि ये वापसी करेगी, प्योर मलवई दोस्तों, जहाँ जिस छत पे एक बार पैर टेक दे, जहाँ पे रख के आप छोड़ोगे वो उतने एरिया में उड़ेगा और वहीं आ जाता है,
ये खासियत होती है। दो पट्टे आए हैं घूम के इमरान से, लालचीना मंगवाया, तीन दिन बाद बच्चा आ गया था। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, देखो भाई ने जो कमेंट किया, इमरान भाई जब से मैं आपकी वीडियो देखने लगा हूँ अब मैं किसी के पास भी कबूतर मांगने नहीं जाता, अगर चला गया 100 कबूतर चला गया ठीक है ना। तो दोस्तों हमेशा इस बात का ध्यान रखें, एक तो चिड़ी मारी करने से बचें, चिड़ी मारी करने से घर में बर्बादी आती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, मोहल्ले में इज्जत खत्म होती है और आपके नाम के साथ एक नाम जुड़ जाता है चिड़ी मार। कैसा लग रहा है चिड़ी मार, कैसा लग रहा है भाई कमेंट करके बताना, चिड़ी मार ये भाई, चिड़ी मार ये भाई, चिड़ी मार ये चिड़ी मार है। मोहल्ले से गुजर के जा रहा देख वो चिड़ी मार जा रहा, मोटरसाइकिल पे भी जा रहा देख वो चिड़ी मार जा रहा, अगर छत पे भी खड़ा तो लोग दूर से आएंगे देख वो चिड़ी मार खड़ा है, कैसा लगता है चिड़ी मार। कई बंदे मैंने ऐसे देखे हैं, 100 रुपए का कबूतर नहीं होगा, 4-4 मंजिल पे तारों पे पकड़ने चले जाएंगे, करंट से तो मर जाएगा भाई। कितने मरे यार, कितनी वीडियो वायरल नहीं हुई, एक कबूतर के पीछे करंट से कितने नहीं मरे, 100 रुपए का नहीं होगा, 300 का होगा, 500 का होगा, उसके वो टावर पे गिर के मरा कबूतर पकड़ने, वीडियो वायरल हुई ना, कितनी वायरल हुई, टावर पे मरे हैं, करंट से कितने मरे, जल गए, कोयला बन गए, कोयला, अरे बे अगलो 300 रुपए का कबूतर के पीछे अपनी जान, बे अगलो गधो, साफ कह रहा हूँ, जो ये शौक करते हैं ना जबरदस्ती कबूतर पकड़ने का, टावरों पे चढ़ने का, बिल्डिंग पे चढ़ के पकड़ना, अपने आप को खिलाड़ी कहते हैं, हम खिलाड़ी हैं, खतरों के खिलाड़ी, कहीं भी चढ़ जाते, तुम बेअकल और गधे इंसान हो, अपने उन माँ बाप से पूछो जिन्होंने आपको पाल पोस कितना बड़ा किया और एक 300 रुपए कबूतर के पीछे आप अपनी जान जोखिम में डालते हो, तो आप गधे इंसान हो, समझ रहे हो ना। मेरी नज़रों में सबसे बड़े बेवकूफ़ इंसान है यार, जिस माँ बाप ने आपको पाल पोस के इतना बड़ा किया कि बिजनेस करके बेटा हमारा कमाएगा खाएगा कुछ अच्छा कारोबार करेगा, और तुम कबूतर पकड़ने के चक्कर पर टावरों से गिर के मर रहे हो, पैर तोड़वा रहे हो, बिल्डिंग पर चढ़ के पैर तोड़वा लिया या करंट लगा, बंदा खत्म हो गया, कितने बचे हाथ पैर तोड़वा तो लिए, लंगड़े हो गए। कबूतरबाजी में बहुत से शौकीन बाज दोस्तों, कमेंट करना अगर आपके एरिया में ऐसे हादसे हुए हैं ना, जहाँ मतलब बंदा बिल्डिंग से गिर गया या कहीं से गिर गया, लूला लंगड़ा हो गया, यहाँ कमेंट करना कि हाँ इमरान भाई ऐसा बंदा हमारे एरिया में है, वो ऐसे ऐसे वहाँ से गिर गया था और उसके साथ ऐसा, कमेंट करके बताना ताकि वीडियो देखने वालों को एहसास हो कि हाँ यार ये बात काम बहुत गलत है, इसीलिए हम कहते हैं चिड़ी मारी से बचो। मेरा कबूतर तो अगर पड़ोस में भी गिर जाए मैं कभी उठाने नहीं गया, ठीक है ना, कभी भी कबूतर अगर आपका भाग जाए दोस्तों, जो चला गया वो अपना क्या, जो चला गया अगर दाना लिखा तो अपने आप जिसके घर में गिरा उसने दे ही देना है, वो दे देगा, अगर आपकी किस्मत का होगा वो खुद कह देगा भाई हमारा कबूतर हमारे घर में आया, ले जा यार ये पड़ा है, खुद कह देगा वो। आप अपने आप को चेंज करके देखो यार, ये काम बिल्कुल छोड़ दो, गैस हो गया यार, क्या कर लोगे उस कबूतर का दोबारा लाके, भाग गया वो तो कबूतर, वो रखो देखो दोस्तों आपका ये जो भाई मेहनत कर रहा ना यूट्यूब पे 8 साल से, कबूतर के अंदर पक्कापन ला रहे हम, यही काम तो है, पूरी हिस्ट्री उठा के देखो मेरे चैनल की 8 साल की, कबूतर पे हम क्या कर रहे हैं, जो हम नस्ल करते हैं, नस्ल क्या है, पक्कापन कि बच्चों की घर वापसी, हमारे जितने भी शागिर्द हुए 100+150 के लगभग शागिर्द है हमारे ऑल इंडिया में, ठीक है, अब हल्ले देशों में भी हमारे सब मिलाकर के 150 के लगभग शागिर्द है और सबके यहाँ तकरीबन हम जो है 100% जोड़ा ऐसा करवाते हैं कि घर वापसी, उड़ान अच्छी, इस पर हम मेहनत करते हैं ताकि इन्हें किसी से मांगने जाना ना पड़े, और इनके अगल बगल के जो चिड़ी मारते हैं, कमेंट देखो आपके कमेंट बहुत सारे हैं ना मेरे वीडियो के नीचे, इमरान भाई यार हमारे यहाँ तो कबूतर उड़ने ना दे, ये चिड़ी मार हमारे बगल में परेशान करे, यार बताओ मैं इनका क्या करूँ इमरान भाई, कहीं से भी कबूतर, मैंने पंजाब से बहुत कबूतर मंगा लिए तुम्हारे लुधियाने में, हमारे यहाँ लुधियाने में बहुत है मलवई कबूतर बेचने वाले, देखो मनोज भाई बैठे ये भी मलवई बेचे हैं, कोई बॉर्डर वाले नहीं बेचते, ये इमरान भाई हमने पंजाब लुधियाने से भी बहुत कबूतर मंगवा लिए, दिल्ली यहाँ वहाँ से जो नामचीन खिलाड़ी उनके यहाँ से भी हमने कबूतर मंगवा लिए, हमारे पड़ोसी जीने ना देते हैं, हमारे चिड़ी मार पड़ोसी जीने नहीं देते, ये फट देने से जिस रंग पे मैं कबूतर लगाऊंगा ना, मान लो ये नीला रंग है, नीली छतरी है भाई, उनके घर में चिड़ी मारों के घर में दोस्तों हर रंग की छतरी मिलेगी, नीली, हरी, लाल, पीली, काली, कोई भी छतरी देख लो, चिड़ी मार गए सब रंग की छतरी, इमरान भाई हम परेशान हो गए इनसे क्या करें, ये उड़ने नहीं देते, हाथों हाथ छेड़खानी करके बिठा लेते, पकड़ लेते हैं, हम इसीलिए कह रहे हैं दोस्तों नस्ल पर फोकस करो, मेहनत करो, और हमने बताया था अगर छतरी वाला कबूतर बाहर से मंगा रहे हो उसको उड़ाओ मत, वो दूसरा कलर देख के कहीं भी उतरेगा वो अगल बगल में, ये दोस्तों कुल मिला के एक तो चिड़ी मारी से बचे आप, अगर मोहल्ले में अपनी इज्जत करानी चिड़ी मारी से बचे, दूसरा अगर किसी का भी किसी का कबूतर आ भी जाए ना फोन करके दे दो, फिर देखो आपकी मोहल्ले में कितनी इज्जत होती है, कितना मान सम्मान लोग बाग आपको करेंगे, क्या वो सामने वाला आपको कबूतर दे या ना दे, आप दे दो उसको ठीक है ना, अगर वो आपको दे या ना दे आप दे दो उसको, मोहल्ले में आप अपनी इज्जत देखना लोग बाग आपको क्या कहेंगे, यार वाकई में यार ये लड़का बहुत अच्छा है यार, किसी का भी आ जाए दे दे, अरे वो कमीन है,
ना इसका देवे ना महारा दे ना उसको देवे। तो देखो आपने आपने अपनी जबान गंदी नहीं करी, मोहल्ले वाले उसको कमीन बता रहे, ठीक है ना। तो ऐसे कमेंट बताना वीडियो के नीचे करके कि हाँ इमरान भाई हमारे एरिया में भी ऐसे चिड़ी मार है जो ये हरकतें करते हैं। तो आप इन बुरे कामों से टावरों पे चढ़ना, बिल्डिंग पे चढ़ना, तारों पे से डंडे से कबूतर को खींचना या पकड़ना, ये काम बंद करें दोस्तों। एक बिजली का हल्का सा झटका आपका पटाखा निकल जाता है। क्यों जी मनोज भाई? बहुत यार मैंने बंदे देखे हैं, वीडियो कितनी वायरल हुई है ना, पीछे तो यार एक एक माँ का लाल 300 रुपए के कबूतर के पीछे पटाखा निकलवा के चला गया। अभी देखना बिजली घर में पीछे वीडियो बहुत वायरल हुई थी, बिजली घर में दो लड़के चले गए थे, जल गए थे। हाँ उसको लेके जा रहे एम्बुलेंस में, आपने देखी होगी बहुत वायरल हुई थी वीडियो। तो ये थोड़ा बचे दोस्तों, परहेज करें इन कामों से, क्योंकि यार अच्छा नहीं लगता कि किसी माँ बाप ने पाल पोस के आपको इतना बड़ा करा और आपने जो है ना, आप चिड़ी मारों ने उन बच्चों को जो आपकी छत पे खाली कबूतरों का शौक करने आ रहे जिनकी उम्र 14 15 या 18 साल है, आपने उनको ऐसी लत लगवा दी कबूतर पकड़ने की, छतों पे चढ़ने की, कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी बेकार कर ली और खतरे से खेल गए और अपनी जान से खेल गए। तो प्लीज़ ऐसे बुरे कामों से आप बचें, ठीक है ना। ठीक है, तो कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसे लगी। अल्लाह हाफ़िज़।